और बता दें आपको उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। कई प्रस्तावों पर, अहम प्रस्तावों पर मंथन इस कैबिनेट की बैठक में, और कई प्रस्ताव हो सकते हैं पास। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आज शाम 4 बजे बैठक होगी, जिसमें क्या क्या चर्चा होने वाली है, उपनल कर्मचारियों के विशेष भत्ते पर, इसके अलावा रोप वे निर्माण, पर्यटन की नियमावली पर चर्चा होगी, शहरी विकास संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। आज शाम 4 बजे यह अहम बैठक होनी है। सचिवालय उपनल कर्मचारियों के विशेष भत्ते पर चर्चा होगी, इसके अलावा रोप वे निर्माण, पर्यटन की नियमावली, शहरी विकास संबंधी प्रस्तावों पर आज मंथन किया जाएगा कैबिनेट की बैठक। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, बुलेट पॉइंट्स में बताइए जरा, क्या क्या अहम प्रस्ताव जिन पर आज मंथन होगा कैबिनेट की बैठक में? देखिए, शाम 4 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई मायनों में ये कैबिनेट की बैठक बेहद खास है। अगर हम देखें, 22 तारीख से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले कैबिनेट की ये बैठक होगी। कई ऐसे बिंदु हैं जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए आज से चारधाम में कोविड गाइडलाइंस के अनुसार से, जिसमें कि कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा राजस्व के कई ऐसे प्रस्ताव हैं, वन विभाग के ऐसे प्रस्ताव हैं, स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, जिनमें मोहर लगने की संभावना है। दूसरी एक पौड़ी में हाल फिलहाल एक घटना हो रही है। कई ऐसे गांव हैं जहां की बाघ के हमले से लोग कहीं ना कहीं सदमे में हैं, और रात्रि कर्फ्यू लगाने तक की बात कही गई है उन गाँव में, तो ये बात का भी उसमें चर्चा होने वाला है। और वहाँ की इस प्रकार से जो जंगली जानवर हैं गाँव में जिस तरीके से घुस जा रहे हैं, उस पर किस पर नियंत्रण किया जाए, इस बात का भी जिक्र किया जाएगा। और इसके अलावा कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पारित होने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जी, चूंकि लगातार लक्ष्य ये है कि 2025 तक उत्तराखंड जो कि नवोदित राज्य है 25 साल का हो जाएगा, और धामी सरकार इस लक्ष्य के साथ, ज्ञानेंद्र, आगे बढ़ रही है कि एक एक माइलस्टोन कायम करना है उत्तराखंड के लिए तमाम योजनाओं के जरिए। बिल्कुल, सरकार की ये कोशिश है कि 2025 तक एक जो लक्ष्य रखा गया है, जिनमें युवाओं को रोजगार देने के साथ जो पलायन है उसे कैसे रोका जाए, और स्थानीय स्तर पर लोग जो हैं कई जो रोजगार के माध्यम उपलब्ध किया जाए और युवाओं को यही रोजगार मिल सके, तो इस बात पर विशेष तौर पर फोकस है। और पर्यटन के अलावा कई जो विभाग हैं, चाहे वन विभाग हो या फिर अन्य जो विभाग हैं, उनके माध्यम से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि युवाओं को रोजगार उत्तराखंड के अंदर मिले, और इस बात पे विशेष तौर पे फोकस रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री स्तर पे भी विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं को, युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ने का जो काम है, तो कुल मिला के देखा जाए तो कई सारे ऐसे प्रस्ताव इस बार कैबिनेट की इस बैठक में होगा, जो कि इन रोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जो कि अगर हम देखें तो पर्यटन विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, कई ऐसे रोजगार से संबंधित जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। जी बिल्कुल, चूंकि दूसरी बार सत्ता मिली है बीजेपी को, और मुख्यमंत्री धामी दूसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं, इसलिए जितनी बड़ी जीत कहते हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है ज्ञानेंद्र। तो पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ धामी सरकार का प्रयास यही है कि हर वर्ग को छूते हुए तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे पूरे राज्य का विकास हो। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से दोबारी सत्ता में सरकार आई है, और अगर हम देखें 6 सालों से लगातार भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन जो प्रस्ताव राज्य सरकार लेके आ रही है, एक जिम्मेदारी उसमें दिखनी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव और ऐसे कानून होने चाहिए जो कि हमने देखे पिछले दिनों 3 बड़े कानून इसी कैबिनेट की बैठक द्वारा पास किए गए। उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे बड़े प्रस्ताव लाए गए, तो उम्मीद है कि कुछ नया बदलाव सरकार कर सकती है स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये भी कोशिश है। क्योंकि अगर हम देखें पिछले दिनों जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो स्कूल फीस का मामला हो, जो प्राइवेट स्कूलों के फीस का मामला हो, उसका भी संज्ञान सरकार लिया था सरकार ने, तो इसका भी जिक्र कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि वर्तमान में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो मनमानी है उसके कैसे नियंत्रण किया जाए। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चाएं हो सकती है। क्या कोई सूची है कितने प्रस्ताव आज जिन पर मंथन होना है? देखिए, तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो प्रस्ताव हैं इस कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। कृषि विभाग का भी प्रस्ताव है इसमें,
तमाम जो विभाग हैं सभी मंत्री इसमें रहेंगे और सभी विभागों के जो प्रस्ताव हैं इसमें लाए जाएंगे, जिनमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब प्रस्ताव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और उम्मीद है कि तकरीबन 20 के करीब जो प्रस्ताव हैं वो कैबिनेट में पास हो सकते हैं। रोपवे और पर्यटन नियमावली पर अगर गौर करें तो सरकार का फोकस है कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ताकि जो पर्यटन जो आर्थिकी का केंद्र बिंदु है उत्तराखंड का, उसमें इजाफा हो। बिल्कुल, देखा जाए तो उत्तराखंड में पर्यटन लगातार कहीं ना कहीं पर सरकार की कोशिश है कि उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये आर्थिकी का एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है पर्यटन। और ऐसे में अगर टूरिस्ट जो प्लेस हैं, इसके अलावा अगर हम देखें केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी कैसे स्थानों में केंद्रीय योजनाओं के जरिए जिसे जोड़ा जा रहा है, तो उन रोपे हुए को कितना तेजी से उनका काम किया जाए इस बात का भी जिक्र इन बैठकों में होती रहती है। इसके अलावा जो नए डेस्टिनेशन जो सरकार जिसपे काम कर रही है नए जिलों में, उसको किस प्रकार से खोजा जाए, क्योंकि देखें तो हम कई ऐसे नए स्थानों को चिन्हित करके उसे कहीं ना कहीं विकसित करने का काम किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो चाहे पर्यटक स्थल हो, तो उसमें किस प्रकार से काम होना है इस बात का भी जिक्र बैठकों में होती रहती है और आज भी होने की संभावना है। शुक्रिया ज्ञानेंद्र तिवारी, अपडेट आपसे आगे लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया।